सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म खस्ता पराठे खाना किसे पसंद नहीं है, और फिर मूली के पराठे मिल जाए फिर तो बात ही कुछ और है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली के पराठे बनाने का ऐसा खास और सीक्रेट तरीका जो न कभी फटेंगे न चिपकेंगे, एकदम भरे भरे फूले फूले बनकर तैयार होंगे। आज ये मूली के पराठे मैं आपको बिल्कुल दो तरह से बताऊंगी, मतलब दूसरा वाला तो ऐसा तरीका है, आसान भी है, इतनी सारी स्टफिंग आप उसे भर सकते हैं, साथ के साथ जो ट्विस्ट मैं उसमें देने वाली हूँ फ्लेवर का, जो भी खाएगा खाता रह जाएगा। इतना आसान तरीका कि पूरी सर्दी आप मूली के पराठे ऐसे ही बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी एकदम खस्ता भरे भरे मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 3 मूली। अब जो मूली के पराठे है उनमें सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है अच्छी मूली का होना। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने मूली ली है एकदम ताजा मूली ली है, इस तरीके की मीडियम थिकनेस की, ना तो बहुत ज्यादा मोटी मूली लेनी है ना बहुत ज्यादा पतली। इस तरह की मूली लेंगे तो इसमें जो पल्प है वो भी ज्यादा निकलेगा, ऐसा ना हो कि मूली छूने पर मुलायम हो रही है, गिर रही है, वो मूली आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, उससे आपके पराठे बढ़िया नहीं बनेंगे, वो होती है रखी हुई बासी मूली। तो अब यहाँ पर देखिए मूली के मैंने ना हरे पत्ते भी लिए हैं, क्योंकि मूली के हरे पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं इसमें। तो आज जो पराठे हम बनाने वाले तो मूली के पत्तों को भी नहीं फेंकेंगे, वो मैं तरीका आपको बताऊंगी इनका यूज हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर मूली को हम पहले बिल्कुल बढ़िया से धो लेंगे और धो करके पत्तों को अलग कर देंगे और मूली के ऊपर का छिलका इस तरह से उतार देंगे। अब यहाँ हमें मूली को करना होगा कद्दूकस यानी ग्रेट करना होगा। तो उसके लिए जो हमें ग्रेट करना है, देखिए इस तरह के बड़े होल से भी नहीं करना और इतने बारीक से भी नहीं करना, बारीक से करेंगे तो मूली बहुत ज्यादा पानी छोड़ देगी घिसते घिसते वक्त तक ही, और बहुत ज्यादा मोटे से करेंगे तो पराठे में स्टफिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मीडियम वाला परफेक्ट रहेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत मायने रखते हैं एक बढ़िया मूली का पराठा बनाने में, जैसे कि जो पराठा है वो बेलते बेलते गीला ना हो जाए। ये लीजिए मैंने तीनों ही मूली को बिल्कुल बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है और ये देखिए मूली ने पानी छोड़ना शुरू भी कर दिया, यही होती है मूली के पराठा बनाने में सबसे बड़ी परेशानी। अब आती है वो सीक्रेट टिप कि मूली के पराठे परफेक्ट बने पानी ना छोड़े मूली, उसके लिए क्या करें। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1.5 चम्मच नमक, आपको ज्यादा ही नमक डालना है यहाँ पर, इस तरह से आप डाल करके बढ़िया से मूली को मिला दीजिए। अब यहाँ क्या होगा कि मूली जो पानी छोड़ रही है ना, नमक के साथ मिलके इसमें जितना भी पानी होगा सारा मूली छोड़ देगी, फिर जब आप पराठे बनाएंगे तो वो पराठे फटने की शिकायत पानी छोड़ने की शिकायत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरह नमक डाल करके बस 2 मिनट के लिए आप ढक करके मूली को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक बड़ी परात या जिसमें हम आटा गूंथते हैं, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। अब आटे में नेक्स्ट यहाँ हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, जिससे कि जो पराठे हैं उनमें समान नमक जाए, बढ़िया लगे खाने में। नमक को बिल्कुल बढ़िया से आटे के साथ करेंगे मिक्स। अब जो भरे हुए वाले पराठे बनाते हैं यानी जो स्टफ पराठे बनाते हैं, उसकी सबसे पहली टिप ये होती है कि हमें आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, एकदम कड़क आटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आप स्टफिंग भरेंगे बेलते वक्त पूरा पराठा साइड से फटने लगेगा और पूरी फिलिंग बाहर निकल जाएगी, मुलायम आटा रहेगा, आप इजीली पराठे को बेल पाएंगे। पराठे अच्छे बने उसकी पहली शुरुआत यहीं से होती है, जितना मसल मसल कर लचीला आप आटा गूंथेंगे उतने ही खस्ता नरम एकदम बढ़िया आपके रंगत के पराठे तैयार होंगे। और ये देखिए एकदम बढ़िया मैंने सॉफ्ट आटा इसका लगा लिया है। इस स्टेज पर इस पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल, और ऑयल डालकर आटे को एक बार और मसल लेंगे, इससे जो हमारे मूली के पराठे हैं वो काफी क्रिस्पी बनेंगे, परफेक्ट। तो बस इसको अब हमें रखना होगा 10 मिनट के लिए ढककर, जिससे कि जो आटे में ग्लूटेन होता है ना वो रिलीज हो जाएगा, आटा एकदम लचीला हो जाएगा, तो उतने ही बढ़िया हमारे पराठे तैयार होंगे, बिल्कुल नहीं फटेंगे। फटाफट चेक करते हैं मूली को, और ये देखिए मूली ने बिल्कुल बढ़िया से पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अगर पराठे की स्टफिंग में नमक डालते और फिर हम पराठे बनाते तो थोड़ी थोड़ी देर पर मूली पानी छोड़ती रहती, तो वो परेशानी अब बिल्कुल नहीं होगी, बहुत सारा पानी जो भी मूली में था वो उसने रिलीज कर दिया है। अभी भी इसके अंदर बहुत पानी है तो पहले इसको बढ़िया से निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पर एक इस तरह से छलनी लगाएंगे, उस पर लगाएंगे एक कपड़ा, और कपड़े पर डालकर सारा पानी हम मूली का निकाल देंगे। आप हाथ से भी निचोड़ सकते हैं, ये वाला तरीका बहुत आसान है, आपको हाथों में भी परेशानी नहीं होगी। और बस कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और पूरा पानी बस इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए कितना सारा मूली में से पानी निकल रहा है, तो है ना एकदम परफेक्ट तरीका, बढ़िया सा निचोड़ देंगे, एकदम मूली को ड्राई कर लेंगे।
और लीजिए सारा पानी मैंने निकाल दिया है। देखिए कितना सारा पानी मूली में निकल गया। अच्छा ये जो मूली का पानी होता है बहुत ही फायदेमंद होता है, तो या तो इसी से आटा लगा लीजिए या फिर आप इसमें जीरा काला नमक वगैरह डाल करके इसको पी भी सकते हैं। और एक बोल में हम अपनी सारी निचुड़ी हुई मूली को निकाल देंगे। ये आपको लग रही होगी बहुत कम है, लेकिन अभी इसको खोल देंगे ना, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारी मूली एकदम ड्राई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच अदरक हरी मिर्च इस तरह से ग्रेटेड। इससे क्या होगा कि जब आप पराठा बेलेंगे ना तो बड़े बड़े पीसेस नहीं आएंगे, तो थोड़ा ग्रेट करके डालेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक चौथाई छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, बहुत ही अच्छा लगता है मूली के पराठों में। साथ ही यहाँ पर जाएगी आधा छोटी चम्मच अजवाइन। मूली के पराठों में अजवाइन बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है, डाइजेशन के लिए भी बढ़िया रहती है। मूली के साथ अजवाइन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। स्टफिंग में बढ़िया सा कलर उठाने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 पिंच हल्दी, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप इन सब चीजों के बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि जो मूली के पराठे हैं ना उसमें ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, इसका अपना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, बहुत बढ़िया लगता है मूली के पराठे में। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मूली के पराठों को जबरदस्त फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मूली के पत्ते, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया। मूली के पत्ते लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब यहीं पर डाल देंगे। अब सबसे जरूरी पॉइंट, नमक यहाँ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले ही डाल लिया था। ये अच्छा खासा नमकीन है, आटे में भी हमने नमक डाला है, तो अब बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। मूली अब बिल्कुल पानी भी नहीं छोड़ेगी, जैसे कि अभी आप स्टफिंग देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये लीजिए हमारी मूली के पराठे की एकदम शानदार स्टफिंग है बिल्कुल तैयार। तो चलिए फटाफट से आटे को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, एकदम बढ़िया। एक बार और अच्छे से मसल लेंगे, उसको एकदम लचीला कर लेंगे। चलिए तो सब तैयारी हो गई है। अब आप लीजिए आटे में से एक मीडियम साइज की लोई यानी पेड़ा, और उसके बाद हथेली पर इस तरह रखकर इसको गोल करेंगे, एकदम स्मूथ कर लेंगे। अब देखिए इस तरह हाथ से दबाइए, और इसकी ना इस तरह हमें एक कटोरी नुमा बनानी है। इससे जो स्टफिंग वाले पराठे होते हैं ना, उसमें एक तो स्टफिंग भरने में परेशानी नहीं होती और वो फटते भी नहीं है। किनारे रहेंगे हल्के से पतले, सेंटर रहेगा थोड़ा सा मोटा। देखिए बिल्कुल इस तरह अभी बन गई कटोरी। अब आप लीजिए हमारी सुपर टेस्टी वाली मूली की स्टफिंग, और इसको बीच में बढ़िया से भर देंगे। लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने स्टफिंग ली है, और आप देख सकते हैं मूली की स्टफिंग ने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है। और इस तरह से उठाते हुए सब तरफ से इसको करेंगे बंद। देखिए इस तरह प्लेट डालते हुए, जैसे साड़ी की प्लीट्स होती है ना, बस इस तरह बंद कर देंगे। हाथों के बीच में रख के ऐसे गोल घुमाएंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा हो उसे ऊपर से हटा दीजिए। लीजिए पेड़ा हमारा बिल्कुल बढ़िया से सील हो गया है, ये देखिए। वापस से इसे आटे में लपेटेंगे, और चकले पे इस तरह रख करके हाथ से बीच में हल्का सा प्रेशर देंगे। इससे जो स्टफिंग हमने भरी है ना, वो सब तरफ चली जाएगी। जितना हाथ से आप फैला लेंगे उतना ही बढ़िया, उतना कम बेलन चलाना पड़ेगा, तो जो चांसेस होते हैं कि मूली का पराठा फट गया या पानी छोड़ दिया वो नहीं होगा। ये लीजिए अब हल्के हाथ से बेलन से धीरे धीरे, देखिए इस तरह से रोटेट करते हुए, एक ही जगह प्रेशर नहीं देंगे, बिल्कुल लाइट हैंडेड इसको हम बेल लेंगे। अभी हाल फिलहाल में मैंने मेथी के पराठे के भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे 2 तरीके बताए हैं, जरूर बनाइएगा। तो मीडियम थिकनेस का, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, देखिए इस तरीके का पराठा हम बेल लेंगे, क्योंकि भरा हुआ पराठा है ना, थोड़ा सा मोटा रहेगा तो बढ़िया टेस्ट आएगा। कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है, ना पराठा फटा है, एकदम प्रॉपर। और ये जो ऊपर आप हल्का हल्का देख रहे हैं ना, यही टेस्ट देगा पराठे को। यहाँ पर देखिए गैस पर मैंने पहले ही तवा चढ़ा दिया था। सबसे जरूरी पॉइंट बढ़िया पराठा बनाने के लिए, कभी भी ठंडे तवे पर पराठा ना डालें, ना बहुत ज्यादा तेज गर्म पर। मीडियम हॉट होना चाहिए तवा, फ्लेम को रखेंगे मीडियम, और बिना कोई घी तेल लगाए इस तरह से पराठे को डाल देंगे। पहले हल्का सा नीचे से सिकने देंगे पराठे को। अब इस स्टेज पर मैं इस पर लगा रही हूँ घी। पराठा आप घी तेल बटर किसी में भी बना सकते हैं, देसी घी के पराठों की बात ही कुछ और है। घी इस तरह से ऊपर लगा करके, अब देखिए फ्लेम को यहाँ पर हम रखेंगे मीडियम हाई, और पराठे को बस इस तरह पलट देंगे। ये देखिए बेहतरीन, अब ऊपर भी हल्का सा घी लगाएंगे, वापिस से पराठे को पलटेंगे। सुपर, आप देख सकते हैं एकदम जबरदस्त वाला हमारा मूली का पराठा तैयार हो रहा है। बहुत ही क्रिस्पी बनेगा ऊपर से, अंदर से एकदम खस्ता, खाने में तो मजा ही आ जाएगा। अब फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे, क्योंकि अच्छा खासा तवा गर्म है, बढ़िया से सेक लें। लीजिए हमारा बहुत ही शानदार मूली का पराठा है बिल्कुल तैयार। तो चलिए दूसरा पराठा बनाने से पहले मैं पराठे को आपको पहले यहीं पर काट कर दिखाती हूँ कि हमारा मूली का पराठा बना कैसा है। अभी आपको देख के पता चल रहा होगा, कहीं से भी फटा नहीं है, ना ही कहीं से स्टफिंग बाहर निकली है, ना ही ये गीला हुआ है, एकदम कुरकुरा खस्ता पराठा हमारा तैयार हुआ है। और ये देखिए इसकी अंदर की लेयर, एकदम जबरदस्त वाली स्टफिंग, ये देखिए।
आप देखकर ही समझ सकते हैं भरा भरा हमारा पराठा तैयार हुआ है। बनाया ना बेहतरीन, इतना बढ़िया स्वाद आएगा कि खाकर मजा आ जाएगा, सब तारीफ करेंगे। मैं आपको पूरा तोड़कर ही दिखा देती हूँ, अंदर तक भरी हुई है स्टफिंग। एक और फटाफट से आपको बनाकर दिखा देती हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं वेरिएशन कर रही हूँ। एक पहले पेड़ा लेंगे, अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, आटे में लपेटेंगे, यहाँ पर कटोरी वाला नहीं करेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा पहले बेलिए छोटा सा इस तरह। अब इस पर लगाइए बीच में घी, इसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़ा सा आटा। इस प्रोसेस में क्या है कि जो पराठा बनता है वो बीच में से काफी खस्ता बनता है। अगर मान लीजिए आपने ज्यादा बेलन चला दिया है, आपसे पराठे बीच में से सख्त हो जाते हैं, तो वो शिकायत नहीं आएगी। सब तरफ से उठाते हुए इस तरह से इसको करेंगे सील। ये देखिए परफेक्ट, एक बार हाथ से और घुमा लीजिए। आटे में वापस लपेटेंगे और धीरे धीरे रोटेट करते हुए बेलन को हल्के हाथ से पराठे को बेल लेंगे, है ना परफेक्ट तरीका। अब इसको भी हम बढ़िया से तवे पर सेकेंगे, तो पहले तवा एक बार पोंछ लेंगे, क्योंकि तवे पर जो भी आटा वगैरह है ना, तो ये पराठे को काला कर देगा। तो एक बार पहले पोंछ लीजिए, फिर आप तवे पर पराठा डालिए। और बिल्कुल इसी तरह से हल्का दोनों साइड से सेकने के बाद घी लगाएंगे और उलटते पुलटते बिल्कुल बढ़िया गोल्डन इसको सेक लेंगे। सब तरफ बराबर स्टफिंग, एकदम भरे भरे आपके पराठे बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि स्टफिंग बीच में ही हो। चलिए तो अब बनाते हैं वो सीक्रेट वाले तरीके से पराठा, जिसके लिए किसी सब्जी अचार किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और बनाना बहुत ही आसान। तो यहाँ पर मैंने ली है अपनी मूली वाली स्टफिंग लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब, और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी पूरी मसाला। आपके पास अगर जलजीरा पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। बेहतरीन चाट स्टाइल ये मूली का पराठा बनेगा। जैसे आपने अगर कभी खाई हो दिल्ली की राम लड्डू चाट, जिसकी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, बिल्कुल वो वाला फ्लेवर आपको पराठे में आएगा। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच पुदीना पाउडर। बस पुदीने को सुखा करके अच्छी तरीके से हाथ से आप मसल लें, इस तरह से तैयार हो जाता है। बाजार में भी इजीली मिल जाता है। तो बस इन्हें करेंगे मिक्स। लीजिए ये हो गई हमारी बेहतरीन चाट स्टाइल मूली के पराठे की स्टफिंग तैयार। आप लीजिए आटे की एक बड़ी लोई, इस तरह इसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए और इसकी 2 छोटी-छोटी लोई तैयार कीजिए। ये जो पराठा है इसे कोई बिगनर्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी, चाहे कैसे भी बेलिए। अब आप पहली एक लोई लीजिए, इस पर आप आटा इस तरह से कोट कीजिए, बहुत आसान और सिंपल नॉर्मल पराठा जैसे बनाते हैं ना, वैसे आप इसे पतला बेल लीजिए। लीजिए अब इसी तरह से दूसरी लोई का पराठा भी बेल कर रख लेंगे। ये लीजिए तो दूसरा पराठा भी मैंने उसी साइज का बेल लिया है। अब इस तरह से बेलने के बाद आप लीजिए अपनी तैयार चाट वाली मूली स्टफिंग। अब इस पराठे में जितनी स्टफिंग आप भरना चाहते हैं आराम से भरिए, ये तो फटने वाला है ही नहीं जो इसका तरीका है। बस किनारे छोड़ देंगे थोड़ा सा और बढ़िया से इसको भर लेंगे। ये लीजिए मैंने लगा दी इसमें बढ़िया से स्टफिंग। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी ना, वो बस इसके ऊपर इस प्रकार हम लगा देंगे और इसके जो किनारे हैं उसको बस इस तरह दबाइए। एक लीजिए फोक और बस फोक से इसके किनारे पर ऐसे इंप्रेशन दे दीजिए, तो देखने में ना जरा अच्छा लगेगा और सील भी बढ़िया से हो जाएगा, है ना एकदम आसान तरीका। जितना चाहो उतनी स्टफिंग भी भरो और चाट का भी मजा लो पराठे में। गरम तवे पर बिल्कुल इसी तरह इस पराठे को भी सेक लेंगे। यकीन मानिए इस पराठे का जो टेस्ट आएगा इतना बढ़िया लगेगा कि आप मूली का पराठा पूरी सर्दी बनाकर खाएंगे और वो भी इस ट्विस्ट के साथ। और दोनों साइड से बिल्कुल इसी प्रकार उलटते पुलटते गोल्डन सेक लेंगे। ये देखिए क्या फूला फूला मस्त पराठा हमारा तैयार हुआ है। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी मस्त भरा हुआ मूली चाट पराठा है बिल्कुल तैयार। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे विंटर स्पेशल बहुत बहुत टेस्टी भरे भरे एकदम खस्ता और मुलायम मूली के पराठे। देखने से ही पता चल रहा है ना, खाने में तो इतने टेस्टी बने हैं कि आप खाते रह जाएंगे। जरूर बनाइए, बहुत तारीफ करेंगे सब लोग और घर में बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगे। बस इस ठंड के मौसम में चाय मिल जाए ये गर्मा गर्म चाट मूली पराठा, मजा आ जाएगा। पूरा भरा हुआ है क्योंकि इसके बनाने का तरीका आपने देखा कि आप तो इसमें ढेर सारी स्टफिंग भर सकते हैं। और यहाँ मैंने मूली के पराठे को सर्व किया है ताजे दही और नींबू की खट्टी मीठी चटनी के साथ। आप मूली के पराठे किसी भी सब्जी, रायता, चटनी, अचार किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।
और आपने देखा कि हमारे मूली के पराठे एकदम परफेक्ट बने हैं, कहीं से ना फटे हैं, ना बेलन पे कहीं चिपका है, ना गीले हुए हैं, सब तरफ समान स्टफिंग के साथ हमारे मूली के पराठे तैयार हुए हैं। ये देखिए हर तरफ एकदम भरा हुआ। सच मानिए ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, जरूर बनाइएगा। मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज के इस स्पेशल मूली के पराठे की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, मेरी मेहनत, मेरी क्रिएटिविटी पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।